वन टू एंड टू से थ्री। सो गाइस ये देखिए यहाँ पर बेसन का डो तैयार हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर ऐसा है। एंड गाइस मैंने यहाँ पर सब्जियाँ काट ली हैं जो जो कि मुझे इस चाहिए इसमें से, टमाटर, खीरा, मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, धनिया। एंड यहाँ पर नमक है, यहाँ पर हींग है, एंड यहाँ पर मसाले बहुत सारे जो कि यूज़ आएंगे इसमें अभी। ये देखिए यहाँ पर पूरा इंग्रेडिएंट्स तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसको अभी तवे पर डालेंगे, पहले सबको इसी में मिलाते हैं, सब कुछ एक साथ मिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा हुआ तैयार। सो गाइस ये बेसन का घोल 10 मिनट हो चुका है, इसको ऐसे घोल कर रख चुके हैं, इसको 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें मिलाते हैं सब सब्जियाँ। चलिए पहले मिलाते हैं मिर्च एंड सब कुछ ही मिलाना है, जिससे एक साथ ही मिला देते हैं। बट देखिए खीरा जा चुका है। एंड अब इसमें धनिया आखिरी में डालेंगे, इसके बाद गाजर डालते हैं। सब्जियां कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं बेसन के हिसाब से, बट ज़्यादा हेल्दी और बनेगा, वैसे भी बेसन हेल्दी होता है। टमाटर, इसमें टमाटर डाल दिया। अब आती है बारी शिमला मिर्च की। एक और मिर्च डाल चुके हैं, हरी मिर्च एंड शिमला मिर्च भी डाल दिया है। एंड गाइस मेरे पास बीन्स नहीं थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बीन्स। सो गाइस यहाँ पर इसका डो डो तैयार हो चुका है। अब इसमें मसाले डालते हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं ये है कुछ, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड ये है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अगर आपको रेड मिर्च खानी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तीखी ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है, जैसे आपने देखा, क्योंकि इसमें हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, और रेड मिर्च भी ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। सो इसको यहाँ पर मसाले पड़ चुके थोड़े थोड़े, एंड स्वाद अनुसार नमक, मुझे तो नमक का स्वाद पता ही नहीं है कितना डालना है, फिर भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल देता हूँ इसमें, नमक इतनी क्वांटिटी में डाल देता हूँ। सो गाइस इसमें सब कुछ डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, इसमें कलर आ जाएगा हल्दी का और सब मसाले एक साथ मिल भी जाएंगे। फिर इसको इस तवे पे भी डालेंगे, कि तवा ऑन नहीं किया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और पूरे तवे में ऐसे ऐसे कर देंगे। अब इसमें डालते हैं डो जो बना के रखा हमने इधर, इसको डालते हैं। अब इसको अच्छे से फैला देते हैं चारों तरफ, इसमें किनारे किनारे थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि अच्छे से निकल आएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर निकालेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वैसा है, देखते हैं यहाँ से आराम से निकल आएगा। अभी इसको पक जाने दीजिए अच्छे से, अभी यहाँ पर देखिए कच्चा हुआ है, इसको पकने देते हैं थोड़ी देर स्लो फ्लेम पर ही, फिर इसको पलट देंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे। सो देखते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, जिसके जिसके मुंह में पानी आ रहा हो तो वो आ जाइए यहाँ पर। सो गाइस इस साइड से पक चुका होगा, अब इसको थोड़ा सा निकाल कर देखते हैं। ये देखिए गाइस बहुत आसानी से अब जो पलटने वाला हो चुका है, उस साइड से पक चुका है, चलिए इसको पलटते हैं। वन टू एंड टू से थ्री। इस पलट चुका है, इधर से कलर देखते हैं बहुत ज़्यादा बेस्ट आ रहा है, फर्स्ट टाइम कुछ कुक कर रहे हैं हम, और गाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो रहा है, यहाँ से आप देखते हैं बिल्कुल अमेजिंग आ रहा है कलर। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालते हैं, नीचे से भी पक जाए, फिर इसको तैयार हो चुका है ऐसे ही, और इस डो का बना लेंगे, एक दो और बनेंगे फिर इसको। अच्छे देखिए गाइस ये दूसरा पड़ चुका है एंड ये बन के तैयार हो चुका है, एक बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पर देखते हैं। अब इसको टेस्ट करके फिर बताते हैं। यहाँ पर एक एक का और डो बचा हुआ है थोड़ा सा, एंड यहाँ पर एंड गाइस देखिए इसको पलट चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट लग रहा है इस साइड, गाइस अमेजिंग। सो गाइस यहाँ पर देखिए इसे बन के तैयार हो चुका है, बहुत बेटर लग रहा है इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है गाइस, एंड यहाँ पर चटनी। सो गाइस आप सभी लोगों ने बहुत सारे फूड ब्लॉगर को देखा होगा, वो फूड खाकर आप सभी लोग को बताते हैं और आप सभी लोग उतना ही देखते हैं, बट मैंने कुछ न्यू क्रिएट किया है गाइस, आप सभी लोगों ने देखा शुरुआत से आखिरी तक अगर देखे होंगे तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या
डाला है और क्या क्या उसमें पड़ा है और कैसा लग रहा है बनने के बाद। सो गाइस एक लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो लग रहा था गाइस उस बनने के बाद, और खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, सब कुछ परफेक्ट था। मुझे नमक का डर था और जलने का डर था, बट वो दोनों परफेक्ट हो गए गाइस। एंड आप सभी लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। एंड गाइस इतनी मेहनत से मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम कुछ बनाया, सो उसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा। हाँ यूट्यूब से देख कर ही बनाया, बट बनाया तो मेहनत खुद की मेहनत से है ना। सो अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड कुछ आप लोग भी ऐसा ही अमेजिंग ट्राई करिए, एंड कुछ बनाइए और खाइए। सो टड़ा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।